नमस्कार, आप देख रहे हैं आईवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। अयोध्या के कार्यक्रम में पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर व जहरीली शराब पर बड़ा बयान दिया है। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि सभी लोग जानते हैं कि जहां राम जन्मभूमि है वहीं पर रामलला का मंदिर बनेगा और रामलला के मंदिर बनने की बाधाएं जल्द ही दूर हो जाएंगी। वहीं प्रदेश में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों पर नाराज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है, इस पर जांच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है और जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है और साथ ही सरकार सख्त है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से फैसले में देर हो रही है, राम भक्त और संत नाराज हैं और मैं भी एक राम भक्त भी हूं, एक कार सेवक भी, मैं राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा रहा। सब में हर व्यक्ति को प्रतीक्षा, जल्द से जल्द फैसला आए, लेकिन बाधा डालने वाले बाधा डालते, फैसला देर में आए इसकी कोशिश करते हैं, लेकिन जो जमीन विवादित नहीं है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर के कहा कि उसको आप श्री राम जन्मभूमि न्यास को सौंपने का काम करो, हम एक कदम आगे बढ़ेंगे, दो कदम आगे बढ़ेंगे, तीन कदम आगे बढ़ेंगे, लेकिन यह कह करके जा रहे हैं कि रामलला की जन्मभूमि पर केवल और केवल और केवल रामलला का भव्य मंदिर बनेगा, वहां बाबर के नाम पर अब कोई इमारत स्मारक अब कोई वहां पर नहीं जाएगी। लेकिन इस प्रकार की कोशिश करने वाले जो चाहते हैं कि सब जानते हैं कि रामलला की जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर ही बनेगा, लेकिन उसके बाद भी हिंदू और मुसलमानों के भेद बीच में भेदभाव पैदा करने की कोशिश कभी सफल नहीं होने पाएगी और हमें पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द रामलला के मंदिर निर्माण की जो बाधा है वो समाप्त। देखिए, पिछली बार कांग्रेस यूपी में 2 सीटें जीती थी और मुझे पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि इस बार अमेठी और रायबरेली की लोकसभा भी भाजपा के खाते में जाने वाली है।